मिशन 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी जोर शोर से जुट गई है, जिसको लेकर अखिलेश यादव के बाद अब डिंपल यादव भी मैदान में आ गई हैं। गुरुवार को सपा प्रवक्ताओं की बैठक में डिंपल यादव भी शामिल हुई। हैरानी इस बात की रही क्योंकि कम ही ऐसे मौके होते हैं जब डिंपल यादव दिखती हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक हुई, जिसमें करीब 62 प्रवक्ता शामिल हुए। इस बैठक में डिंपल न सिर्फ शामिल हुई बल्कि कई सुझाव भी दिए। इस दौरान डिंपल यादव ने महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह से भी मुद्दों पर मंथन किया। बताया जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर सपा अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है और साथ ही सपा डिंपल यादव के जरिए यूपी की 48% महिला को साधने की कोशिश करेगी। इसीलिए डिंपल यादव को आगे रखकर सपा महिला विंग को मजबूत करने की कोशिश में है। दरअसल समाजवादी पार्टी के पास महिला के नाम पर डिंपल यादव के अलावा कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है और वहीं दूसरी ओर भाजपा का महिला विंग काफी मजबूत है, जिसको लेकर सपा इस बार डिंपल के जरिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने की कोशिश में है। आपको बता दें कि बीजेपी ने शौचालय, उज्ज्वला जैसी योजनाओं से बड़े स्तर पर महिलाओं को जोड़ा है, जिसको लेकर अब सपा भी अपनी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़कर अपना महिला वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। अब डिंपल के जरिए सपा अपने इस प्लान में कितनी कामयाब होती है, कितनी नहीं, ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।